तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Vivo T1 5G और iQOO Z6 5G फोन के बारे में। ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ। इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर है और क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन, और इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परचेस करना सही रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमीरुद्दीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में। तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं। दोनों फोन में डिस्प्ले साइज सेम दिया गया है, 6.58 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है दोनों फोन में। दोनों फोन में क्वार्टर ऑफ नॉच दिया गया है। एस्पेक्ट रेशियो का बात करें तो 20.9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का बात करें तो 90.60% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो तक को मिल जाता है। और दोनों फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। दोनों फोन का डिस्प्ले में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट सेम डिस्प्ले दिया गया है। दोनों फोन का कैमरे का बात करें तो दोनों फोन में कैमरा भी सेम दिया गया है। दोनों फोन में ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का है, 4.85 के साथ में दिया गया है। और जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। जो थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। दोनों फोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों का सेल्फी कैमरा का बात करें तो दोनों फोन में 16 मेगापिक्सल का F2.1 अपर्चर का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोनों फोन में सेल्फी कैमरा सेम देखने को मिल जाता है और रियर कैमरा भी सेम दिया गया है। कैमरा में यहाँ पे कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फोन का परफॉर्मेंस प्रोसेसर का बात करें तो दोनों फोन में परफॉर्मेंस प्रोसेसर भी सेम दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है। इसका क्लॉक स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड पर चलता है। और जीपीयू का बात करें तो एड्रेनो 619 जीपीयू दिया गया है। यह प्रोसेसर काफी पावरफुल प्रोसेसर है, काफी बढ़िया प्रोसेसर है। 6 नैनोमीटर पर आधारित है, 6 नैनोमीटर पर चलता है। दोनों फोन का OS यूजर इंटरफेस का बात करें तो दोनों फोन में एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलते हैं और साथ में फोन टच 12 दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों फोन का वारंट का बात करें तो दोनों फोन 3 वारंट पर आता है। जो बेस्ट वारंटी है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो मिड वारंटी है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। जो हायर वारंटी 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। दोनों फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh का बैटरी दिया गया। फास्ट चार्जिंग का बात करें तो 18W का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का USB कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में USB Type-C 2.0 दिया गया। ब्लूटूथ वर्जन का बात करें तो 5.1 ब्लूटूथ वर्जन दिया गया। दोनों फोन का सिम सपोर्ट का बात करें तो दोनों फोन में 12 5G सिम सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो 5G सिम के साथ में यूज कर सकते हैं। दोनों फोन में 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया। दोनों फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफी अच्छा बढ़िया डिजाइन दिया गया। ग्लास एंड फिनिशिंग बैक देखने को मिल जाता है, लेकिन ग्लास नहीं दिया। दोनों फोन का बैक साइड में प्लास्टिक यूज किया गया है। दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो दोनों फोन में फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। दोनों फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो Vivo T1 5G फोन का जो बेस्ट वारंटी है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 15,990 रुपीस पर आता है। जो मिड वारंटी है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 16,990 रुपीस पर आता है। जो हायर वारंटी है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। इसका प्राइस है 19,990 रुपीस पर आता है। यहाँ पे बात करें तो iQOO Z6 फोन, दोस्तों ये फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, ये फोन 12 o'clock को लॉन्च होने वाला है। तो लॉन्च होने से पहले मैं सुबह ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका प्राइस कंफर्म नहीं है। इसका प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लॉन्च होने के बाद। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है इस प्राइस पर आ जाए या फिर कुछ डिफरेंस हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है इसका जो बेस्ट वेरियंट होगा 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसका प्राइस होने वाला है 14,999 रुपीज पर आएगा। जो मिड वेरियंट होगा 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसका प्राइस होने वाला है 16,999 रुपीज पर आएगा। जो हायर वेरियंट होगा 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आएगा। इसका प्राइस होने वाला है 18,999 रुपीज पर आएगा। ये कंफर्म प्राइस नहीं, एक्सपेक्टेड प्राइस बताया हूँ। और अगर आप लोग ये वीडियो ये फोन लॉन्च होने का बाद ही देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कंफर्म प्राइस अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों तो ये था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स Vivo T1 5G और iQOO Z6 5G फोन का। आपको दोस्तों इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेटर लगा? दोनों फोन में दोस्तों ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन दिया गया है। Vivo T1 फोन कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था इंडिया में, और वही सेम फोन रीब्रांड करके नाम चेंज करके यहाँ पे लॉन्च कर रहा है iQOO Z6 फोन।
IQOO Z6 फोन, ये फोन सेम वही फोन है, Vivo T1 जो फोन है, जो स्पेसिफिकेशन दिया गया सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है यहाँ पे IQOO Z6 फोन में, सेम सब कुछ दिया गया, लेकिन खाली ब्रांड का नाम ही चेंज किया गया है, जो IQOO का ब्रांड पर यह लॉन्च किया जा रहा है। दोनों फोन काफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर प्राइस पर थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। IQOO Z6 फोन का प्राइस थोड़ा सा कम होने वाला है, 1000 रुपीज कम प्राइस पर यह फोन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं IQOO Z6 फोन, क्योंकि यह फोन थोड़ा कम प्राइस पर देखने को मिल जाता है, यह कम प्राइस पर मिल जाएगा यह फोन। मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे 1000 रुपीज कम प्राइस होने वाला है। अगर आप लोग लॉन्च होने का बात ही देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा किस प्राइस पर यह फोन लॉन्च हुआ है, जिसका जिस फोन का प्राइस कम होगा उसी फोन को परचेस करना सही रहेगा। यहाँ पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो IQOO Z6 फोन, यह फोन का प्राइस ज्यादा है Vivo T1 फोन से, तो यहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं Vivo T1 फोन। अगर यहाँ पर इससे Vivo T1 फोन से कम प्राइस पर यहाँ पे लॉन्च किया जाता IQOO Z6 फोन, तो यहाँ पर परचेस कर सकते हैं आप IQOO Z6 फोन। दोनों फोन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, खाली प्राइस को ही देखना है किस प्राइस पर कौन सा फोन लॉन्च किया जा रहा है। तो बस दोस्तों, वीडियो के मैं खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइए, हो सके तो अपना टेक्निकल अमेरिकन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पर जो बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपडेट डालूंगा आप लोगों को मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो के लिए खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।